असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सेलिब्रिटी आगे आ रहे हैं। इनमें बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स और एथलीट शामिल हैं। हिमा दास के बाद IPL स्टार रियांग पराग भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,00,000 रुपये दान किए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रियांग के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि यह देखना बहुत सुखद है कि राहत प्रयासों के लिए यंग जनरेशन आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,00,000 रुपये के आपके योगदान के लिए धन्यवाद। यह दिल को सुकून देने वाला है कि असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए बड़ी संख्या में यंग जनरेशन आगे आ रही हैं। आपको बता दें कि रियांग इस साल IPL में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में आए थे। रियांग पराग राजस्थान राज टीम में थे और फील्ड में अपने लगातार व प्रभावी प्रदर्शन से टीम के हीरो बन गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले 16 जुलाई को एथलीट हिमा दास ने अपनी आधी सैलरी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान की थी। हिमा दास ने बड़े उद्योग घरानों और आम लोगों से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। असम से नेशनल अवार्ड विनर व फिल्म मेकर रीमा दास ने 1,00,000 रुपये मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दिए थे। आपको बता दें कि असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से राज्य के 29 जिले प्रभावित हैं। बाढ़ से करीब 48 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य की करीब 53,00,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। इसके कारण वन्य जीवों को ऊंचे स्थान पर शरण लेनी पड़ी है। असम में हर साल बाढ़ से करोड़ों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। बता दें कि फिल्म एक्टर अक्षय कुमार ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 2,00,000 रुपये दिए हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने असम बाढ़ पीड़ितों और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जीव जंतुओं के लिए 2,00,000 देने की घोषणा की है। अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,00,000 रुपये और बाढ़ प्रभावित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जीव जंतुओं के लिए 1,00,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। अक्षय के इस कदम के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रशंसा की थी। अक्षय ने ट्वीट पर यह जानकारी देते हुए अन्य लोगों को भी मदद करने की अपील की है। धन्यवाद।